गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत धारिता के चैप्टर को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो वैद्युत धारिता के चैप्टर में हम लोगों ने थोड़े बहुत इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, वैद्युत धारिता की परिभाषा पढ़ ली थी सी इक्वल्स क्यू अपॉन वी, और ये फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया था। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बात बताई थी आपको, संधारित्र का उपयोग क्या है। तो संधारित्र का उपयोग है बेटा कि जैसे ये ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, अपने पास एनर्जी को स्टोर करता है, और जब सडनली कहीं रिक्वायरमेंट होती है वहां सडनली दे देता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मान लीजिए कूलर चलाना है, पंखा चलाना है, आपको जितने भी मोटर चलाने हैं, जैसे टुल्लू, वो वाला टुल्लू नहीं, जो आपका टुल्लू पंप आता है छोटा वाला पंप, या ये जो मोटर है ये सब चलाने होते हैं, तो इनको चलाने के लिए पहली बार जैसे आप रोटेट करा रहे हो, फैन को रोटेट करा रहे हो, तो इसको बहुत ज्यादा अमाउंट के करंट की रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 25 एम्पियर पंखे को चाहिए होता है पहली बार रोटेट करने के लिए। और जो घर में सप्लाई आ रही होती है, अगर वहां पे आप अमीटर लगा के उसका मेजरमेंट करें, तो जो इनपुट सप्लाई है वही 30 एम्पियर के करीब की है। तो जब 30 एम्पियर मैक्सिमम आपके घर में आ रहा है, और मान लीजिए आपको कोई भी मोटर चलाना है, उसे 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच की करंट चाहिए, तो उसको कैसे आप रोटेट करेंगे, इतना ज्यादा करंट अमाउंट में कहां से लाएंगे। तो इसी के लिए हमने इस सुविधा को हमने क्या कर लिया है, संधारित्र लगाकर उसे हमने उस उपकरण में हमने संधारित्र लगा दिया है, जिससे जब ह्यूज अमाउंट की एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तो ये अचानक ही उसे सप्लाई कर देता है। ये इसकी क्वालिटी है संधारित्र की। संधारित्र आपने देखा ही होगा आपके घरों में, ये लगा होता है ऐसे पंखे में सफेद सफेद कलर का, तो ये बेलनाकार संधारित्र है। इसी को आप कहते हो कंडेंसर, जैसे घर पे कहते हैं कंडेंसर चेंज कर दो, तो कंडेंसर को जनरली ये ऐसे दो टर्मिनल होते हैं। आप इसको चेक करने का तरीका भी जानते होंगे कि कंडेंसर सही है या गलत है, खराब है, तो इसको प्लग में डाल दीजिए दोनों टर्मिनल और आपस में टच कराइए, अगर उसमें बहुत जोरदार चिंगारी निकल रही है, इसका मतलब उसने आवेश को कलेक्ट कर रखा था, और जब आपने टर्मिनल टच कराया तो उसी आवेश का स्पार्क होना शुरू हो गया, चमक उत्पन्न होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये संधारित्र सही है, अभी इसमें स्टोरेज की क्षमता है। तो संधारित्र का इस तरह से कुछ उपयोग है। तो संधारित्र का क्या उपयोग है उसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक बात जान गए होंगे कि आप देख लीजिए, जैसे हमने यही बताया, जो कैमरे का फ्लैश होता है चमकता है, बहुत जोरदार चमकता है, उसे लगभग 30 से 50 एम्पियर के बीच की करंट चाहिए उतना ज्यादा चमकने के लिए, और उसमें छोटे छोटे पेंसिल सेल लगे होते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि उतना ज्यादा वो सप्लाई दे सके, तो इसके लिए हमने उसमें कैपेसिटर लगा दिया, संधारित्र लगा दिया या कंडेंसर लगा दिया, ये तीनों एक ही नाम है। तो अब जब उसको फ्लैश चमकाना होगा, खिचक ऐसे होता है ना, अचानक आंखें बंद हो जाती है, तो इतना अमाउंट का जब करंट उसे प्रोवाइड कराना होता है तो कैपेसिटर उसे स्टोर करके रखता है, और सडनली जैसे ही आप स्विच दबाते हैं, बटन दबाते हैं, तुरंत ही इतनी मात्रा में वो ढेर सारी करंट दे देता है, जिससे उतना छोटी बैटरी भी इतने ज्यादा जोरदार वो फ्लैश चमका लेती है। तो इस तरह से संधारित्र के बहुत सारे उपयोग हैं। तो संधारित्र में पहले ये संधारित्र है क्या, तो अब आपने ये पढ़ा था कि संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स क्यू अपॉन वी। तो ये वह युक्ति या वह उपकरण, चाहे युक्ति कह लीजिए चाहे उपकरण कह लीजिए, वह युक्ति या वह उपकरण जो किसी चालक की, ये जनरली चालक का बनाते हैं, आवेश उस पर ढेर सारा हम रख सकते हैं, इसलिए तो वह युक्ति या वह उपकरण जिससे किसी चालक के आवेश को हम स्थिर रखना चाहते हैं, चालक का आकार भी हम स्थिर रखना चाहते हैं। आकार जैसे आपने देखा कि पृथ्वी की धारिता ही बहुत कम है, तो 711 माइक्रोफेरेड पृथ्वी की धारिता आई थी, तो हम इसका मतलब आकार, उतना बड़ा आकार का हम संधारित्र तो नहीं निर्माण कर सकते, तो संधारित्र हम छोटा रखना चाहते हैं, बहुत छोटे साइज का। तो इसीलिए वह युक्ति या उपकरण जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ध्यान से सुनिएगा इतनी लाइन आप दिमाग में बिठाइए, वह युक्ति या उपकरण जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना
आवेश की स्थिर मात्रा में, आवेश की अगर मात्रा स्थिर हो गई तो इसी को यह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब विभव बढ़ाओगे तो धारिता घट जाएगी और विभव घटाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर हमको धारिता बढ़ानी है। तो फिर से वह युक्ति या उपकरण जिसमें किसी चालक के आकार को स्थिर रखते हुए, आकार को स्थिर रखते हुए आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में वृद्धि की जाती है, संधारित्र कहलाता है। फिर से वह युक्ति या उपकरण जिसमें किसी चालक के आकार को नियत रखते हुए, आकार में परिवर्तन ना करें तो उसे क्या कहेंगे, नियत रखते हुए आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में वृद्धि की जाती है, संधारित्र कहलाता है। तो ये संधारित्र की डेफिनेशन हो गई बेटा। तो संधारित्र की डेफिनेशन, अब ये अगर आपने डेफिनेशन दिमाग में बिठा ली तो ये तीन प्रकार का होता है संधारित्र, मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक है समांतर प्लेट संधारित्र, बी है गोलीय संधारित्र और इसी में एक सी पार्ट है बेलनाकार संधारित्र। बेटा अपने कोर्स में ये समांतर प्लेट संधारित्र मुख्यतः है, अभी नया ऐड हुआ है गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र हमारे कोर्स में नहीं है। होने को तो इसकी बहुत सारी आकृति, बहुत सारी बनावट हो सकती है, जैसे इसमें आप देखेंगे अलग अलग टाइप के डिस्क टाइप का भी संधारित्र आता है, चपटा सा एकदम प्लेट टाइप का संधारित्र आता है, उनकी सबकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। संधारित्र के अगर हम आकार की बात करें तो ये बहुत टाइप से पॉसिबल है। तो हम अपने कोर्स की बात करते हैं, हमारे कोर्स में मुख्यतः तीन टाइप के प्लेट हैं संधारित्र होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शॉर्टकट में इसको पीपीसी, पीपीसी बोलने का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल रहा है। गोलीय संधारित्र का तो सीधे सीधे स्फेरिकल कैपेसिटर, कंडेंसर कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंडेंसर भी वही है जो कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार को आप कह सकते हैं, बेलन को पाइप बोल सकते हैं, पाइप टाइप कैपेसिटर। ओके, तो ये तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं हमारे सिलेबस में, मुख्यतः दो टाइप के हैं, होने को बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं। जैसे हमने बताया था जब इसको परिभाषा बताई थी कि ये ए आकृति है, दूसरा प्लेट भी इसी आकृति का ले लीजिए, ये भी कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की आकृति की कोई एक बनावट निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, बहुत टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से हम पहला पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसी में हम पहला क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की सबसे पहले देखते हैं बनावट क्या होती है। पहले समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र दो समान आकार, दो समान आकार आकृति की चालक प्लेट, जैसे मान लीजिए कि अगर इसे हम ऐसे सोचें कि ये एक प्लेट हो गई, तो इसके ही आकार का एक दूसरा प्लेट इसी के सामने आप रख लीजिए, जैसे एक कॉपी ये है तो एक कॉपी ऐसे रख लीजिए, तो समान धातु की है, एक ये कॉपी है एक ये कॉपी इसके सामने ले लीजिए, तो दोनों की धातुएं क्या होनी चाहिए, समान। तो समान धातु की होनी चाहिए, समान आकृति की होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए एक गोली है तो दूसरी भी गोली है, एक आयताकार है तो दूसरी भी आयताकार है, तो समान आकृति, समान आकार और समान क्षेत्रफल। अगर एक का क्षेत्रफल हमने कुछ कैपिटल ए माना है, मान लीजिए कि ये ऐसे
3D में अगर देखेंगे तो ये कैपिटल ए क्षेत्रफल है इसका, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। तो ये एक दूसरे के समांतर कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। फिर से, जब दो समान आकार समान क्षेत्रफल और समान आकृति की, समान आकार समान क्षेत्रफल और समान आकृति की चालक प्लेटें एक दूसरे के सामने स्थित हो और उन पर बराबर और विपरीत समान परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित हो, तथा वे प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ अल्प दूरी पर रखी हो, तो इस प्रकार बने निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। फिर से देख लीजिए, काफी सिंपल है, जो हमने दिखाया है वही हम बोल रहे हैं। इस पर प्लस क्यू आवेश है बेटा, तो इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। फिर से, दो समान आकार समान क्षेत्रफल और समान आकृति की चालक प्लेटें एक दूसरे जिन पर परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित है, एक दूसरे के समांतर कुछ अल्प दूरी पर रखे हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र को चार पांच बार अभी बोलिए आप तुरंत, तो आपको ये ब्रेन में आपके सेट हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसकी बनावट क्या है, अगर समांतर प्लेट संधारित्र, तो जो बनावट है वो आपके सामने दिख रही है, तो इसी को हम बनावट बोल देंगे। बस थोड़ा सा इनमें नाम दे दीजिए कि इसको हमने कुछ नाम आर दे दिया, कुछ एस दे दिया। तो माना दो चालक प्लेटें आर व एस है, चालक प्लेट आर पर प्लस क्यू तथा एस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, जिन्हें एक दूसरे के समांतर कुछ अल्प दूरी पर रखा जाता, अल्प दूरी स्मॉल डी पर रखा जाता है, इनके मध्य की दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दूरी को घटा दीजिए या दूरी को बढ़ा दीजिए, इनके मध्य की दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है, और प्लेटों के मध्य निर्वात या माध्यम, चाहे निर्वात चाहे माध्यम हो सकता है, निर्वात माध्यम दोनों भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके प्लेटों के मध्य निर्वात या माध्यम या दोनों हो सकता है। तो इस तरह से ये इसकी बनावट है, बनावट भी एकदम सिंपल है, देखिए वही जो बना हुआ है चित्र उसी को हम बोल रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, माना दो धातु की चालक प्लेटें आर व एस हैं, एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर रखी हैं। प्लेट आर पर प्लस क्यू आवेश तथा प्लेट एस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, इनके मध्य की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, प्लेटों के मध्य निर्वात या माध्यम हो सकता है। तो ये इसकी बनावट हो गई बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा अब होने जा रही है कि इसका सिद्धांत क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत क्या है। यही इसमें अगर आप समझ जाएंगे, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिद्धांत समझना, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत समझना। तो हम जानते हैं किसी भी चालक पर उपस्थित आवेश Q हो और उस पर उत्पन्न विभव V हो, तो संधारित्र की धारिता C इक्वल्स Q बाई V होती है। यदि Q का मान नियत हो तो C व्युत्क्रमानुपाती V, अर्थात धारिता के मान में वृद्धि करने के लिए आपको विभव के मान में कमी करनी है। यही हम लोग करने जा रहे हैं, यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो इसमें आप देख लीजिए, पहले चित्र फर्स्ट देख लीजिए। माना एक, सर्वप्रथम एक चालक प्लेट R है, माना एक चालक प्लेट R है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तथा एक अन्य S प्लेट इससे प्रारंभ में इससे बहुत अधिक दूरी पर है, जिसके कारण उस पर उपस्थित आवेश शून्य है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। अब चित्र सेकंड में, प्लेट R को स्थिर रखते हुए S को R के निकट लाया जाता है, तो ये भी इस पर ये प्रेरण हो जाएगा, S प्लेट चालक है तो चालक के, चालक पर प्रेरण के कारण। तो फिर से सुनिए, R प्लेट को स्थिर रखते हुए S प्लेट को R के निकट लाया जाता है, तो S के प्रेरण के कारण S के आंतरिक सतह पर,
माइनस क्यू आवेश तथा वाह सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। फिर से सुनिएगा, प्लेट आर को स्थिर रखते हुए एस प्लेट को आर के निकट लाया जाता है तो प्रेरण के कारण एस के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा वाह सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। इस पर कितना आवेश है बेटा, प्लस क्यू, तो यहां कितना आ गया माइनस क्यू, तो यहां प्रेरण के कारण कितना आ गया प्लस क्यू आवेश आ जाता है। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। अगर क्यू निगेटिव है बेटा तो विभव कम करेगा ये, अगर क्यू पॉजिटिव है तो विभव के मान में ये वृद्धि करेगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, प्लेट एस पर स्थित माइनस क्यू आवेश आर के विभव में कमी करता है तथा प्लस क्यू आवेश आर के विभव में वृद्धि करता है। अब देखने में तो लगता है कि जितना प्लस माइनस है उतना प्लस है, तो ये विभव नेट विभव जीरो हो जाएगा, लेकिन विभव किस पर निर्भर करता है बेटा, दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर दूरी कम है तो विभव ज्यादा है, अगर दूरी ज्यादा है तो विभव कम है। अच्छा ये देखिए, चाहे थोड़ा सा ही अंदर है, निगेटिव चार्ज थोड़ा सा समीप है आर के और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर है आर से, तो आप ऐसे कह सकते हैं माइनस क्यू आवेश आर के निकट होने के कारण विभव के मान में थोड़ी सी अधिक वृद्धि कमी करता है तथा एस वो प्लस क्यू आवेश आर से दूर होने के कारण विभव के मान में अपेक्षाकृत कम वृद्धि करता है। तो अगर ये कम वृद्धि कर पाया, इसने ज्यादा कमी कर दी, तो परिणाम स्वरूप आर के विभव में अल्प कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप आर के विभव में अल्प कमी हो जाती है। अब आप चाहें तो एक नया स्टेप यूज कर लें, चाहे तो इसी स्टेप में अब एस प्लेट की वाह सतह का भू संपर्क करा देते हैं। भू संपर्क का फायदा क्या है, भू संपर्क के कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन एस की वाह सतह पर उपस्थित धनात्मक आवेश को निरस्त कर देते हैं। अब चित्र थर्ड या सी कह लीजिए, ए बी सी ऐसे भी कह दीजिए, तो अब आर प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा एस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। अब एस पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश आर के विभव में सिर्फ कमी करता है, बहुत अधिक कमी करता है, उनके मध्य की दूरी अभी नियत रखी है, जैसे पास लाए थे तो डी दूरी तक लाए थे, तो उनके मध्य की दूरी नियत रखी है। तो एस पर, अब एस पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश आर के विभव में बहुत अधिक कमी करता है, जिसके कारण धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। एक बार फिर से यही भाषा, इसे नोट भी करना है आपको भाषा बेटा, इसको कैसे कहेंगे कि ये चित्र समझना है, ये तो हम समझ ही रहे हैं, फॉर्मूला सी इक्वल्स क्यू बाई वी, यदि आवेश क्यू तथा विभव वी हो तो फॉर्मूला सी इक्वल्स क्यू बाई वी होगा। यदि आवेश को हम नियत रखना चाहते हैं तो विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि सी व्युत्क्रमानुपाती वी। अब इसमें समझिएगा, चित्र फर्स्ट में सर्वप्रथम एक चालक प्लेट आर लेते हैं तथा उसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, उसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा एक अन्य प्लेट एस को आर से बहुत अधिक दूरी पर रखा जाता है, जिसके कारण उस पर उपस्थित आवेश शून्य है। अब चित्र सेकंड में आर प्लेट के निकट एस प्लेट को लाया जाता है तो एस प्लेट प्रेरण के कारण एस की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा वाह सतह पर प्लस क्यू आवेश। क्यों, प्लस क्या करेगा, माइनस को आकर्षित करेगा और क्या करेगा, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्लस दूर वाली सतह पर और माइनस पास वाली सतह पर। तो प्रेरण के कारण एस की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा वाह सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। अब माइनस क्यू आवेश आर प्लेट के अपेक्षाकृत पास होता है, जिससे वो विभव के मान में अधिक कमी करता है तथा प्लस क्यू आवेश आर प्लेट से अपेक्षाकृत दूर होता है। अपेक्षाकृत का मतलब इन दोनों में आपस में इनकी तुलना में अपेक्षाकृत दूर होता है, जिससे विभव के मान में अपेक्षाकृत कम वृद्धि कर पाता है। इस प्रकार परिणाम स्वरूप
आर के विभव में कमी हो जाती है, अल्प कमी हो जाती है, जिससे धारिता में अल्प वृद्धि हो जाती है। अब क्या करते हैं, एस प्लेट का भू संपर्क, एस प्लेट की वाय सतह का भू संपर्क करा देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा एस प्लेट पर के बाहरी सतह पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश निरस्त हो जाते हैं। अब उनका भू संपर्क विच्छेद करा दिया जाता है, चित्र थर्ड में एस का भू संपर्क विच्छेद करा दिया जाता है, जिससे आर प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा एस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। अब माइनस क्यू आवेश आर के विभव में बहुत अधिक कमी करता है, जिसके कारण आर के विभव में बहुत अधिक कमी करता है, जिसके कारण निकाय की धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, संधारित्र के सिद्धांत में ही थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे दोबारा। तो अभी के लिए इसको समझ लेते हैं, फिर आगे टॉपिक को इंक्रीज बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का परिकलन करना है। हमने ये पढ़ा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसकी बनावट कैसे होती है और उसका सिद्धांत क्या है। तो अब इसमें लास्ट, अब हम लोग इसके संधारित्र में यही पढ़ना चाहते हैं कि इनकी धारिताएं विभिन्न स्थितियों में क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल केस लेते हैं, जब प्लेटों के मध्य निर्वात हो, जब चालक प्लेटों के मध्य निर्वात हो, तो वो स्थिति, ये आर प्लेट है, ये एस प्लेट है, आर पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। तो अगर हम सिग्मा, ये प्लेट है बेटा, ये लाइन से सिर्फ दिखाया जा रहा है क्योंकि 2D में इसको दिखाना है और 3D होता है ये प्लेट। तो आप देखिए, इसको लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो अगर इस पर क्यू आवेश उपस्थित है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, तो सिग्मा इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। अगर क्यू पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इधर देख लीजिए, सिग्मा इक्वल्स माइनस क्यू बाई ए हो जाएगा। अगर ये निगेटिव है, आप चिन्ह प्रदर्शित कर दीजिए या लेस देन जीरो शो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप ही, अपने आप ही यहां पे ये निगेटिव को शो करेगा। तो सिग्मा इक्वल्स क्यू अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो इधर हो जाएगा प्लेट के इस साइड, सिग्मा इक्वल्स क्यू बाई ए लेस देन जीरो। तो अब इसकी भाषा क्या है, भाषा हर बार लिखने की आदत डालिए, क्योंकि बोर्ड में भाषा का भी एक नंबर होता है। अगर चार नंबर में डेरिवेशन आया तो एक नंबर चित्र का, एक नंबर भाषा का और उसके डेरिवेशन का दो नंबर होता है। जैसे ये तो छोटा डेरिवेशन है, तो इसमें चित्र और भाषा का आधा आधा नंबर हो जाएगा, एक नंबर का डेरिवेशन का पार्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल होता है इसका डेरिवेशन। कुल मिला के हमको धारिता चाहिए, शॉर्टकट बता रहे हैं, अभी तमीज से इसको फिर से करेंगे तो आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो हमको धारिता चाहिए बेटा, तो धारिता होता है C इक्वल्स क्यू अपॉन V। क्यू तो हमको पता है, इसका मतलब V चाहिए। V इक्वल्स क्या होता है, E इंटू डी, क्योंकि इनके प्लेटों के मध्य क्या दूरी D है और वैद्युत क्षेत्र कुछ E होगा प्लस से माइनस की ओर, यहां पर वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा ना। तो अगर वैद्युत क्षेत्र पता है और डी, अगर वैद्युत क्षेत्र हमको नहीं भी पता हो तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र E इक्वल्स क्या हो जाएगा, E इक्वल्स अगर निकाल लीजिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अगर निर्वात है तो। अब सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए रख सकते हो, तो सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए। तो इसमें स्टेप देखिए, सबसे पहले हम सिग्मा निकाल लें क्यू अपॉन ए उल्टा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको धारिता तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो धारिता के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां पे धारिता के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो V चाहिए, Q तो हमें पता ही है, V चाहिए, तो V इक्वल्स इन टू डी, E चाहिए, E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अपन को सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा इक्वल्स क्यू अपॉन ए। तो सबसे पहले उल्टा शुरू करते हैं, सबसे पहले सिग्मा निकाल लीजिए क्यू अपॉन ए, फिर उसके बाद क्या निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद निकाल लीजिए C इक्वल्स क्यू अपॉन V में E की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको धारिता का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो धारिता का यही स्ट्रेटजी है, इसी तरह से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए काफी सिंपल फॉर्मूला है,
अगर इन्हें आप अच्छे से कर लेंगे तो आगे के डेरिवेशन आपको काफी इजी लगने वाले हैं। तो कुल मिला के आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो इसमें भाषा क्या है, माना दो चालक प्लेट आर व एस है, आर प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा एस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, आर व एस के मध्य की दूरी स्मॉल डी है तथा चालक प्लेटों के मध्य निर्वात उपस्थित है। अब आर व एस पर उपस्थित पृष्ठीय आवेश घनत्व, भाषा क्या लिखेंगे, प्लेट आर व एस पर उत्पन्न पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्यों निकाल रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि हमको सबसे पहले वहां लास्ट स्टेप पे जाइए तो सिग्मा इक्वल्स क्यू अपॉन ए, इसे इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लीजिए। अब हमको क्या चाहिए बेटा, इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र चाहिए, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र। बेटा एक बात ध्यान रखना कि जैसे यहां पे एक तरफ अगर आवेश है तो प्लेटों के मध्य यहां पर वैद्युत क्षेत्र होता है, ये वाला अगर यहां पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये प्लस क्यू इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो मान लीजिए इसके कारण E1, और ये माइनस क्यू आकर्षित करेगा तो इसके कारण E2 है। तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट क्या हो जाएगा अंदर, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 का मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कह रहे हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लेफ्ट या राइट में भी देख सकते हैं, इस साइड आप देखिए ये प्लस क्यू इसे प्रतिकर्षित करेगा E1, और ये माइनस प्लेट इसे आकर्षित करेगा E2। ये इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां E नेट क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है तो E1 माइनस E2, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया कैंसिल आउट, जीरो आ गया। तो इस साइड भी जीरो है, इसी तरह से उस साइड भी जीरो है, इनके मध्य में कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पूर्ण रूप से आवेशित होती दोनों तरफ तो इस पर क्या आता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक तरफ आवेश है तो उसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, भले से ये चालक प्लेट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर पूरे प्लेट पर अगर यहां पे देखिए दोनों परत मिला के, आप जानते हैं कि ये दोनों परत मिला के अगर इस पे वैद्युत क्षेत्र, आप जानते हैं चालक प्लेट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, दो परत के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आधा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, तो एक ही तरफ आवेश है, बाहर आवेश है नहीं, तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा चालक प्लेट के मध्य में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य। चालक प्लेट के इस साइड या उस साइड सॉरी मध्य में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहीं भी, क्योंकि ये दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दूरी पर निर्भर कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए इनके मध्य में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहीं भी, ये पूरे इनके प्लेट को के मध्य कहीं भी आप लेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के कारण, तो दोनों प्लेट समान दिशा में वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं तो इसके कारण यहां जुड़ जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस तरह से इसके इस साइड आप देखिए प्लस प्लेट, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख दीजिए, तो अगर यहां पे क्यू नॉट रखा है तो ये प्लस क्यू इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस क्यू आकर्षित करेगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, नहीं तो तुमको टेंशन हो जाए कि सर इससे ये कम दूरी है, इस वाले प्लेट से तो ये ज्यादा दूरी है, तो ये बराबर कैसे हो गया वैद्युत क्षेत्र, तो ये बेटा दूरी पर निर्भर नहीं करता इसलिए बराबर हो गया, इसलिए नेट जीरो है इधर। इसी तरह से आप उधर भी देख सकते हो बेटा, एकांक धनावेश परीक्षण आवेश रखो, ये प्लस क्यू इसे प्रतिकर्षित करेगा E1, ये माइनस क्यू आकर्षित करेगा E2, तो ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट क्या हो जाएगा इधर भी
सिग्मा E1 माइनस E2 विपरीत दिशा में है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया जीरो। तो प्लेट के लेफ्ट या राइट में जीरो होता है, प्लेटों के मध्य सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो चालक प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चालक प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान समीकरण एक से रखने पर, सिग्मा का मान समीकरण एक से रखने पर तो क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण नंबर दो मान लिया। अब ई मिल गया, अब प्लेटों के मध्य विभवांतर हमको ये चाहिए, क्योंकि C इक्वल्स क्यू बाई वी, तो V चाहिए। प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो V इक्वल्स उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के मध्य की दूरी, E इंटू डी होता है। तो E कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दूरी कितनी है d। ये हो गया समीकरण नंबर चार। अब हम जानते हैं वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल्स Q अपॉन V। V का मान समीकरण चार से रखने पर Q अपॉन समीकरण चार से Q d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल्स क्या आ गया बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो धारिता का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इस तरह से आप वैद्युत धारिता निकाल सकते हैं जब प्लेटों के मध्य निर्वात रहा हो। अगर यहां माध्यम हो बेटा, जब प्लेटों के मध्य, ये वैद्युत धारिता का परिकलन अभी भी आप कर सकते हैं जब प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित हो, जब प्लेटों के मध्य माध्यम हो, माध्यम हो तो ये इसका मतलब निर्वात की जगह पे इसमें एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया गया है। तो अगर इसमें इसी डेरिवेशन को हम मतलब इसी में फर्दर प्रोसीड करें तो सिग्मा इक्वल्स क्यू अपॉन ए, ये तो होगा ही बेटा। बस प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा माध्यम की उपस्थिति में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हम जानते हैं यहां पे थोड़ा सा जगह की कमी है बेटा, तो हम जानते हैं एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां पे बस ये एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, अब एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया बेटा। तो अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से सिस्टमेटिक बताऊंगा जिससे आपका ये रिवीजन हो जाए। तो अगर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, निर्वात, तो सी माध्यम में जो आया है वो क्या आया है, सी निर्वात इंटू एप्सिलॉन आर। तो माध्यम की उपस्थिति के कारण धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। तो फिर से देख लीजिए बेटा, इसको हम सिस्टमेटिक आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा डायरेक्ट हो गया है, भाषा रहने दे रहे हैं। देखिए, माना दो चालक प्लेटें कैपिटल आर व एस एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं, इनके मध्य एप्सिलॉन आर माध्यम का परावैद्युतांक भर दिया जाता है। अब प्लेट आर पर उपस्थित आर व एस पर उत्पन्न पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल्स क्यू अपॉन ए। चालक प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा,
इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्साइलन। अब हम जानते हैं माध्यम के कारण ये हुआ है बेटा, माध्यम की उपस्थिति के कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्साइलन। तो एप्साइलन आर बराबर एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, या एप्साइलन बराबर एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। तो वैद्युत क्षेत्र एप्साइलन का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो से आप क्या आ जाएगा, इक्वल सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, ये हो गया समीकरण तीन। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर वी इक्वल्स वैद्युत क्षेत्र इंटू मध्य की दूरी, तो ये कहां से आया बेटा, समीकरण तीन से। तो वैद्युत क्षेत्र है सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर इंटू इनके मध्य की दूरी डी, तो इसको हम समीकरण नंबर चार मान लेते हैं। हम जानते हैं वैद्युत धारिता के सूत्र सी इक्वल्स क्यू अपॉन बी से, क्यू तो रहने दीजिए, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा डी अपॉन, सॉरी सिग्मा की वैल्यू रखा नहीं अपन ने, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बेटा, एप्साइलन। तो इसके बाद एक स्टेप यहां और लिख लीजिए, सिग्मा का मान समीकरण दो में रखने पर तो क्या आ जाएगा, E इक्वल्स सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए एप्साइलन। अब हम जानते हैं यहां थोड़ा सा और, हम जानते हैं एप्साइलन आर बराबर एप्साइलन नॉट एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, या एप्साइलन बराबर एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। तो अब वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। देखिए यहां से एप्साइलन का जब मान रख देंगे तो क्यू अपॉन ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, ये आपने इसे समीकरण तीन मान लीजिए, यहां समीकरण चार मान लीजिए, ये समीकरण तीन से आया है। तो इक्वल सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए एप्साइलन नॉट, तो ये आ गया आप बेटा सिग्मा की जगह क्यू D अपॉन ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। तो ये क्या आ गया बेटा, C इक्वल्स ए एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर अपॉन D। ये C माध्यम है इसलिए CM लिख दिया। अब ये C निर्वात है बेटा, तो C माध्यम इक्वल्स C निर्वात इंटू एप्साइलन आर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चालक प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता उस परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के बराबर के गुणज में बढ़ जाती है, ये हो गया। अब ये इनकी निर्भरता क्या है, जो ये आया है संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है बेटा, इसको देख लीजिएगा। सी इक्वल्स ए एप्साइलन नॉट बाई डी, अगर हम पहले निर्वात वाले की बात करें तो चालक प्लेटों के मध्य की जो धारिता है वो पहला चालक प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अर्थात चालक प्लेटों का क्षेत्रफल समानुपाती है तो चालक प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा चालक प्लेटों के मध्य दूरी पर सी समानुपाती है, सी व्युत्क्रमानुपाती डी, चालक प्लेटों के मध्य की दूरी को कम करने पर धारिता के मान में वृद्धि होगी, ये हो गया बेटा। और तीसरा इसमें है सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति पर, चालक प्लेटों की प्रकृति पर, मतलब चालक प्लेटों की प्रकृति का मतलब अगर इसके अलग अलग धातु ले लेंगे तो धातु का मान बदलने पर, धातु बदलने पर चालक प्लेटों की धारिता बदल जाएगी, ये इस फॉर्मूले में नहीं आया, लेकिन अगर अलग अलग धातु लेंगे तो ये जो प्रेरण होगा, ये जो आवेश होगा, अलग अलग धातुओं के आवेश रखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसके कारण ये
आपका ये चेंज हो जाएगा आवेश, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता भी बदल जाएगी। तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है और इसकी बनावट पर निर्भर करती है कि आप इसे समांतर ले रहे हैं कि गोलीय ले रहे हैं, तो इस बात पर भी इसकी धारिता निर्भर करती है। अगर प्लेटों के मध्य माध्यम भर दिया गया तो इसमें डी पार्ट और लिख सकते हैं कि प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम पर भी धारिता निर्भर करती है। तो इनके मध्य चालक प्लेटों के माध्यम पर भी निर्भर करती है, मतलब अगर जितने अधिक परावैद्युतांक, जितने अधिक परावैद्युतांक का माध्यम लिया जाएगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो संधारित्र की धारिता इस तरह से हमने कुछ कैलकुलेशन किया। अगर आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, इसमें उधर का पोर्शन तो इरेज कर दिया है। तो ध्यान रखने का ये इतना ही है इसमें कि कुल मिला के इसकी धारिता कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमको चाहिए C इक्वल्स Q अपॉन V, तो V चाहिए तो V इक्वल्स E इंटू D, अब E चाहिए तो E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, अगर माध्यम है तो सिग्मा अपॉन एप्साइलन, तो एप्साइलन की जगह एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर लिख दीजिए। तो अब Q सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्साइलन नॉट अगर निर्वात है, और अगर माध्यम है तो Q अपॉन A एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। वैद्युत क्षेत्र मिल गया तो विभव मिल जाएगा V इक्वल्स E इंटू D, तो E है Q अपॉन A एप्साइलन नॉट तो इंटू D अगर निर्वात है, अगर माध्यम है तो Q इंटू D अपॉन A एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, बस माध्यम में एप्साइलन आर का गुणा हो रहा है, ध्यान रखिएगा इतना सा बस। तो अब उसके बाद अगर धारिता, ये हमको विभव मिल गया तो धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स Q अपॉन V, तो V की वैल्यू रखिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेटा अभी इसके मध्य हम T मोटाई की पट्टिका वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। रीजन है कि जब आप इसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, इतने पोर्शन पे आपका कमांड हो जाएगा, तो इसके बाद जब उसको हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत इजी लगने वाला है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा आगे देखिएगा और इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से सीखिए आप नेक्स्ट क्लास के पहले पहले, तो जिसके कारण आपको इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो सके और उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।